इंजीनियर रशीद का रोड शो फिलहाल त्रैगाम पहुंच चुका है। त्रैगाम के तवारीखी चौक में इस वक्त इंजीनियर रशीद का छोटा बेटा असरार रशीद इस वक्त कैंपेन में जुड़ गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें त्रैगाम इलाके की हैं, जहां पर इंजीनियर रशीद का रोड शो, इंजीनियर रशीद की रैली जो है वो पहुंच गई है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा सीधा त्रैगाम मैन चौक से, त्रैगाम के तवारीखी चौक से, जहां पर इस वक्त हजारों की तादाद में लोग जुड़ गए हैं और इस वक्त लोगों का सैलाब देखा जा रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको तस्वीरें करलपुरा से दिखाई थी और इस वक्त ये शो, ये कारवा जो है त्रैगाम के तवारीखी चौक में पहुंच गया है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आपको ओपनिंग में ही बताया था कि आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है वो इंजीनियर रशीद की रैली के साथ आज ज्वाइन करेंगे, इंजीनियर रशीद के साथ आज शमूलियत इख्तियार करेंगे और साथ में उनके रैलीज का भी हिस्सा वो बनेगा। तो ये वही कुछ इस वक्त वही मंजर देखा जा रहा है। मैं इंजीनियर रशीद के साथ इस वक्त जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है फिरदौस बाबा, मैंने उनसे भी अभी बात की है, उनके कुछ ही देर के बाद इंटरव्यू जो है वो आएगा और वो हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें त्रैगाम चौक से हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर देखी जा रही है, लोगों का सैलाब देखा जा रहा है और लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर देखा जा रहा है। मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर ये तस्वीरें सीधा त्रैगाम की है, जहाँ पर इस वक्त लोगों की एक बड़ी तादाद शिरकत कर रही है और कोशिश करेंगे हम कि लोगों से और नौजवानों से बात करने की। तमाम लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर जमा हो रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को अपनी तरफ लाया जाए, कैंपेन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करने की दावत भी दी जा रही है। और आपको याद होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से बहुत सारे शोज किए गए, मगर मेगा रैलीज अगर आपको देखनी होगी तो वो आपको इंजीनियर रशीद के थ्रू यहाँ पर देखने को मिल रही है। किस तरीके से यहाँ पर नौजवानों की एक बड़ी तादाद शिरकत कर रही है और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो पार्टी होनी चाहिए लीडर्स हमारे। सर क्या बोलना है जी, आज आप इंजीनियर रशीद के रैली में आए हैं, क्यों आए हैं? आपको मालूम होना चाहिए पिछले 5 साल से इंजीनियर रशीद साहब तिहाड़ जेल में बंद है, जबकि तमाम जो भी पॉलिटिकल लीडर एमिग्रेशन आर्टिकल 370 जब खत्म हुआ 5 अगस्त 2019 को, उस समय इंजीनियर रशीद साहब को तिहाड़ जेल में बंद करके रखा। आज इंशाल्लाह लोग दिखा रहे हैं कि हम इंजीनियर रशीद साहब को किस तरह तिहाड़ जेल से अपने वोट से अपने मत से वापस लाएंगे। ये एक थप्पड़ होगी, यानी मुंह पर चपात होगी यहाँ की पॉलिटिशियन के लिए, जिन्होंने इंजीनियर रशीद साहब को पिछले 5 साल से तिहाड़ जेल में बंद करके रखवाया। अब लिहाजा ये जो हमारे यूथ नॉर्थ कश्मीर का जो यूथ, बल्कि साउथ कश्मीर से भी हमारा सपोर्ट मिल रहा है और सेंट्रल कश्मीर से भी सपोर्ट मिल रहा है, लिहाजा अब की बार इंशाल्लाह ये जो पिछले 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीसीपी या कांग्रेस या और कोई पार्टी लोगों को गुमराह करके आए, अब इंशाल्लाह लोग उठे हैं, अब जवान अपने टांगों पे खड़ा हो गए हैं। इसलिए हम कहते हैं अकाबी रूह जब बेदार होती है, नौजवानों में नजर आती है इनको अपने मंजिल आसमानों में। मैं कहता हूँ कब तक हमारी राहों में अंधेरा होगा, उभरेगा अब सूरज, अब यहाँ भी सवेरा होगा। सबक सीखा हमने माजी की खताओं से, मैं मुतमईन हूँ अवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से, यूथ की तरफ से, नॉर्थ कश्मीर की तरफ से मैं मुतमईन हूँ। आने वाला पार्लियामेंट मेंबर जो होगा वो इंजीनियर रशीद साहब होगा और साथ ही साथ ये जिस तरह ये लोग आज 20 तारीख को अपना मत करेंगे, वोट करेंगे, जिस तरह हम इंजीनियर रशीद साहब को पार्लियामेंट में भेजेंगे, पार्लियामेंट में जब इंजीनियर रशीद साहब पहुंचेंगे सबसे पहला जो काम वहां पे रहेगा, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे इंडिया गठबंधन जो जिसकी कयादत राहुल गांधी कर रहे हैं, अगर वो भी प्राइम मिनिस्टर बने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा जो भी बने, मोदी बने, राहुल गांधी बने, इंजीनियर रशीद साहब उनसे आंखों में आंख मिलाकर जितने भी कश्मीर के बाकी मुख्तलिफ जेलों में हमारे नौजवान बेगुनाह बंद है, चाहे वो नॉर्थ के हैं, साउथ के हैं, सेंट्रल रियासत जम्मू कश्मीर के, इंशाल्लाह उन सबको हम बाइज्जत घर लाएंगे, अपने घरों को अपने माँ बाप को हवाले करेंगे। उमर साहब तो कह रहे थे कि हम तो चाहते थे
कि इंजीनियर रशीद ग्राउंड पे आ जाए और वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाए, पर उनसे सवाल पूछे जिन्होंने उनको बंद रखा है, इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या उमर साहब ने कल भी कहा था अगर मुझे पता होता मैं और ही कुछ करता, लेकिन मैं उमर साहब को याद दिलाना चाहता हूँ, आप नायब सदर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के रियासत जम्मू कश्मीर के, आपको मालूम था इंजीनियर रशीद साहब ने पहले ही ऐलान किया था, हमने पहले ही ऐलान किया था कि हम इंजीनियर रशीद साहब का फार्म भरेंगे। हमने सबसे पहला जो फार्म भरा था बारामूला में वो अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद साहब का आया, कहते हैं ना वो खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब इनको लग रहा है दो पांच दिन हो गए ना, जब हजारों में नहीं लाखों में नहीं, मैं आज कहता हूँ लिख कर ले लो आप किस पत्रकार के हो, कश्मीर क्राउन के हो, आप लिख कर ले लो 3 लाख से हम लीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों का चलिए यहाँ पर बात चल रही थी, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था, फिलहाल यहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर रहे थे और कोशिश ये की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपनी बात पहुंचाएं। यहाँ पर तकरीर भी रोकी गई थी क्योंकि यहाँ पर बाइट हम लोगों से ले रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे और लोगों का सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। और इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग त्रैगाम के तवारीखी चौक में जमा हो रहे हैं और इस वक्त बड़ी तादाद में लोग इंजीनियर रशीद की रैली में आ रहे हैं। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है क्योंकि अभी पीडीपी का जलसा भी होना है, एनसी ने तो अपने जलसे यहाँ पर किए, पीसी ने भी बहुत सारी रैलीज की और अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे नौजवान यहाँ पर आ रहे हैं, छोटे छोटे लड़के हैं और जो यहाँ पर इंजीनियर रशीद के सपोर्ट में आए हैं और बहुत सारे खासकर जो नए वोटर्स हैं जिनका जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं वो यहाँ पर इनके साथ रैलीज में शिरकत कर रहे हैं। आपका वोट दर्ज है, इस बार वोट देना है तो जी, आज आप रैली में आ रहे हैं, क्यों आए इंजीनियर रशीद के साथ ही? क्यों? बिल्कुल, वो अच्छा इंसान है इसीलिए उसके साथ आए। अच्छा, इसीलिए उसके साथ। तो वोट इस बार 2019 में भी उसी के साथ है, आज इंजीनियर साहब को जाएंगे। आपने टी शर्ट भी पहनी हुई है इंजीनियर साहब की, इंजीनियर साहब के लिए हमारी जान भी हाजिर है, जान भी जाए पहला वोट है इंजीनियर साहब के लिए। हमारे दिल में रहते हैं हमारे दिलों में राज करता है। इधर आ जाइए, तो बहुत सारे लोग बात भी करना चाहते हैं और यहाँ पर आ जाइए थोड़ा सा, और मुझे बहुत सारे लोग इशारा भी कर रहे। जी हेलो, मेरा एक सवाल है सजाद गई लोन से, अगर वो अपने जमीन से आज सोच ले अपने बाप की कब्र पर जाकर देखे ये आज का जलसा कि वो शाम को अपना फार्म विड्रा करके इंजीनियर रशीद के हक में वोट डलवाए। अच्छा, आप चाहते हो कि सजाद साहब ना आए, इंजीनियर रशीद को सपोर्ट करें? हाँ, इसको पता लगा आज न्यूज कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद साहब को कह रहे हैं कि भाई साहब आप अपना पैसा वापस लीजिए और आप इंजीनियर रशीद को मैदान खुला छोड़िए। ये बहुत सारे लोग यहाँ पर ये इलेक्शन यकसाया हो गया कि सजाद गई लोन ने हारा, उमर उल्लाह ने हारा, फयाज ने हारा, इंजीनियर रशीद ने बाजी मार दी यहाँ बारामूला कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिलहाल मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर जावेद मीर साहब जिनका हमने हाल ही में इंटरव्यू किया था और यहाँ पर इस वक्त سبق مین بس جاوید صاحب شکریہ کر سا کور سن آواز پہ ربوت ان شاء اللہ ان سب ضمیر کو ضلع ان کے پاس سپورٹ کرو شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ونکس اُن تھی وچان کہ معصوم بچے ہمیں تو برٹ کر ونکس سکول یا کالج گھنٹ ضرورت اس میچس من ونکس مرن گوس آسا مگر تھی وچو ونکس المیہ کیا سیم قومت کہ لکٹ بچس پہ تھی پوٹ کل مول سن خطر فریاد کر مگر لکٹ بچ ونکس مول ٹہار جیلس من بند
یہ المیہ ام قوم کم خبر بند یہ تہ سارے پتہ اگر آواز کا سوئی تلا سوئی تلا اگر سہ چوب کھانا ہمیشہ اکثر تس حکمران تمہن بوڑ خطرہ باسان ونکس آ تم موقع تہاڑ جیل واتن یمن تہاڑ جیل گھن پزے تم ونکس یپار بڑ عیشی سان لکن دکھ دے لکن ہمدرد سون لیڈر ونکس مز آن گوس سنکس تہاڑ جیلس مزہ سارے احساس کر وقت آو وقت آو اس پہ ونکس رشید صبن خاطر ووٹ تراؤن اور تہاڑ جیل مز سے نبر کڑن مگر سنگ تیل یہ تھی پریشر کوکرس پہ ووٹ ترو مطلب دار بازی سے چل نہیں کی پولنگ بوتس پہ گھن میرے جوانو تہو ونکس بالکل انقلاب اونمت تہ پتہ یہ ونو بہ رات کت مطلب رات انفارمیشن بڑن بڑن ایوان مز زلزل آمت اور ونکس سون رشید صاحب رون پریشر کوکر یہ نمبر ون یہ پنس پانس بڑ کرندر ون تم پہ ترم خبر کتنے تم سے ونکس تم ترم ٹورم نمبرس پہ تم یہ شین دہن مز ایڈرس مگر آپ گزارش ہو میں بچ سن تھو خیال ام سنس یتس انس تھو عزت ام سنس یتس تھو عزت یتس فردوس صاحب ہمیشہ رودمت یہ انجینئر صبس پتہ پتہ ہمیشہ مگر ونکس دراس بہ مے کر گری لڑائی کئی کرم بغاوت کی کرم مے کرا پن خطر نہ مے کر قوم خطر مطلب اس تھی خاندری ویگن کرس ختم مطلب خاندانی راج کتس ٹائم ستن ولین پہ خاندانی راج وچان مطلب انسان کنس چاروی انسان رود نو تم کی مولس پہ کور پہ تمس کور مولس پہ نچو پہ تمس ست پھر یہ بدلا ونکس یہ موقع انجینئر صبس ترو پریشر کوکرس پہ ووٹ مین گھن مین گھن سد واتن پولنگ بوتس پہ فیس بک پہ زیرو نبر پولنگ بوتس پہ گھو اتنی وچو تھی بدلاؤ چاہیے ونکس یہ مین گزارش پریشر کوکر تھو یاد بیس تھو احسان صبح عزت تو شکریہ پارٹی تمام نوجوان شکر کر شکریہ کر تو بیس منظور صاحب اچھا سٹیج آپ کھین یہ کھسے سٹیج پہ مطلب منظور صاحب سے سمتی پورہ ہم ذمہ دار کر گزارش بار بار سننا ٹریفک خیال تھوان ٹریفک جام نا کر سکول یت تب لائٹ بند کرسپلن مظاہر تو زیادہ ٹائم نمو نا کہین اسرار رشید صبس دم بہت لائٹ کرسم کم کم باقی پارٹی آپ الیکشن لڑنے درامت کی درامت بیس میں بیاکھ ون اگر آمت یتھ بادشاہ ام تخمیر لگان وال بادشاہ ام تخمیر لگان وال دپنس مے ونو سا مے نش کتا دولت مے نش کتا پراپرٹی یل ام تخمیر لگان وال آئے ام لگا تخمیر ام ویسے بادشاہ صاحب سدہن پیڑ یوت زین کتا زین یہ گو پاگل دپن اردہ پیڑ اور کیا تھے جموں میں الیکشن
प्रोग्राम के सारे जवान मेन तरफ सलाम प्रोग्राम के तरफ अवामी एतहाद पार्टी हिंद सारे कारकुनन शुक्रिया अदा करा कि योतान तशरीफ मे ज्यादा तकरीर कर बल्कि अत व बुस पी सी खानदान सालुक थो उम्र वोट पीपल्स कॉन्फ्रेंस त्रम मगर आज चुन सोन वोट न एम सी खतर तीत जरूरी न पी सी खतर तीत जरूरी के लिए जिसका बाप तिहाड़ जेल में बंद है। आप सबको पता है कि इंजीनियर रशीद साहब तिहाड़ जेल में पिछले 5 साल से है। आप प्रोग्राम के एक सर्वे को जाति का समझ कि ईद पक्ष अक्सर बेषतर बंद रूम कि कता पेन रात नंदा वक्त सोन बच कुन जेल में तुम तुम खानदान यम खानदान घर पत्व 5 वर्ष पे जेल में तह सारे गुजारिश मे तरफ गुजारिश कि आज सदात सब वोट जरूरत कि आज एम सी वोट जरूरत कह बल्कि आज कस वोट जरूरत आज चुनमें मजलूम लड़कस वोट जरूरत सारे करू वात अफराज सबने खतर अफराज सबने खतर रशीद इंजीनियर सबने खतर सो चुन जेल में बंद कह सो पड़े के तहत बंद आम थो लूको बंद बंद थान आमुत यम लूक तुम्हें वोट मंगे यम लूक रात पे ये रिले कर यम लूक आज प्रोग्राम के नौजवान चीर खोजन तृण कॉल कर खोजन फेट कर तरक माहौल फैल मगर तुम खतर से अ चीज प्रोग्राम तुम खुदमत खुशी करो इंशाल्लाह रशीद इंजीनियर सब कामयाब प्रेशर कुकर बाकी वसलम शेयर सागर गिरते हुए मैदान चंद में शख्स सवार वो किस्म क्या गिरे जो घुटनों के बल चले उम्र को कहो कि कल तुमने क्या बोला अगर आपने कहा था मैं फार्म वापस लूंगा अगर इंजीनियर फार्म भरेगा तो पानी नहीं भरूंगा शतना चौसिले बोले पता इंजीनियर अच्छा चलती है हमेशा हमेशा सर खतर बोला क्यों
इमाचे हमेशा ठोकर छमाई इमाचे सैक्रिफाइस छमाई में या चो इंजीनियर यम इंजीनियर नेस दब मैं जिंदा हूँ, अभी कश्मीर भी जिंदा है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक पूरी आवाम जिंदा है। मेरी एक गुजारिश है आपसे, कामयाब करो, क्योंकि ये वो वाहिद बंदा है जो कश्मीर में रूह नशीन लाएगा। कसम से कहता हूँ, रूह नशीन लाएगा। शुक्रिया। आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। गांधी नहीं होंगे और मैंने भी सोचा नहीं था कि मुझे आप सबके सामने आना पड़ेगा, लेकिन आज एक बेटे का फर्ज निभाते हुए मैं आप सबके सामने अपने बाप के लिए आया हूँ, अपनी माँ के लिए आया हूँ। एक भाई का फर्ज निभाते हुए मैं अपनी बहन के लिए आपके पास आया हूँ। मैं ऊपर कोई सियासत करने नहीं आया हूँ, कोई खानदानी सियासत को बढ़ावा देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अगर आया हूँ तो आप तक अपने बाप की बात पहुँचाने के लिए आया हूँ। वो इंजीनियर रशीद जिसने हर बार हम सब की बात की है, कश्मीरों के हकूक की बात की है। आपका जो वोट है इंशाल्लाह 20 मई को प्रेशर कुकर पर पड़ेगा इंशाल्लाह। वो वोट न सिर्फ इंजीनियर रशीद को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भेजेगा, बल्कि ये उस ताले की चाबी है जो इंजीनियर रशीद को उसके घर वालों से मिलवाएगा, उसके बड़े माँ बाप से मिलवाएगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब और इंशाल्लाह उन सब कैदियों की बात करेंगे जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में बेगुनाही की सजा काट रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मुझे निराश नहीं करेंगे, मेरे घर वालों को निराश नहीं करेंगे। तो आप सब ये वादा करते हैं कि आप मेरे वाले को मेरे पास लाएंगे? नंबर 15 प्रेशर कुकर इंशाल्लाह। इंजीनियर रशीद आपके वोट से आपके साथ से हमारे पास होंगे, आपका यही प्यार आपका यही साथ हमारे हौसले को बुलंद रखता है, हमारे जज्बे को बुलंद रखता है। इस तरह नाजिम बनी तो गुजारिश बनी बैठी पनी बच्चन बनी पनी औलादन बनी कि इंशाल्लाह इंजीनियर रशीद को भी ब्राउन वोट, क्योंकि ये वोट हमारे मुस्तकबिल का वोट है और हमारे मुस्तकबिल के लिए हम सबको सामने आना पड़ेगा इंशाल्लाह। Close it,